इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां भयानक आग लगी है। उक्त घटना अमहिया थाना क्षेत्र के सिरमौर चौराहे से आगे केक्स एंड मोर नाम के रेस्टोरेंट में आग भड़की है। घटना सुबह 5 बजे की बताई जाती है। गनीमत रही कि रेस्टोरेंट की रसोई में रखा सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, अन्यथा बड़ी घटना घटित हो सकती थी। रेस्टोरेंट से निकलते धुएं को देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। उठ रहे भारी धुआं के गुवार को देखते हुए हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया है। बताया जाता है कि रेस्टोरेंट का किचन पूरा जलकर नष्ट हो गया, वहीं इसी के साथ अन्य सामान राख हो गया। उक्त आगजनी की घटना में संचालक को लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी गनीमत यह रही कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ और बड़ी घटना टल गई। आपको बता दें कि रिहायशी इलाकों के साथ साथ बने बड़े कॉम्प्लेक्सों में फायर सेफ्टी सिस्टम ना होने के चलते कभी भी गंभीर घटना घटित हो सकती है। घटना के बाद प्रशासन की आंखें खुलती हैं और आनन फानन में कार्यवाही शुरू होती है। इसके बाद पुनः जस की तस स्थिति निर्मित हो जाती है। जिस स्थान पर यह रेस्टोरेंट संचालित है वह बहुमंजिला बिल्डिंग है और कई होटल, डॉक्टर के क्लिनिक के साथ फर्नीचर की दुकान है। अगर आग विकराल रूप लेती तो भयानक हादसा हो सकता था। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। फायर बिगड़ चुकी है। इंजीनियर हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये भी नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, लग गया। आज रीवा के लोटस टावर के सामने केक एंड मोर की शॉप में